तो प्रयागराज में पुलिस का एक्शन अब भी जारी है। आपको बता दें कि अब तक 91 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद पंप का 5 करोड़ का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस का यह भी दावा है कि जावेद पंप के घर से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। योगी सरकार ने संदेश तो साफ दिया, लेकिन बुलडोजर चलाने से शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रयागराज में अब तक 91 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। मास्टरमाइंड जावेद पंप का 5 करोड़ का बंगला आज ध्वस्त किया गया। 4 घंटे से ज्यादा चली कार्रवाई में यह मकान ध्वस्त किया गया। प्रयागराज के करेली इलाके के जेके आशियाना कॉलोनी में खड़ी ये इमारत अब यूपी में उपद्रवियों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। इस इमारत पर चस्पा ये नोटिस यूपी में हिंसा की मंशा रखने वालों के लिए आखिरी फरमान है। ये घर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद अहमद पंप का है, जो कुछ ही मिनटों में जमींदोज होने जा रहा है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद इस वक्त परेशानी में है, क्योंकि खुद जेल में है और उसका घर तोड़ा जा रहा है। मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के करेली इलाके में, जहाँ आप देखिए कि जावेद मोहम्मद का जो घर है उसको बुलडोजर लगा के ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार ने एक नोटिस जारी किया था मई महीने में, और उसी नोटिस की एक कॉपी कल रात यानी कि शनिवार रात को जावेद मोहम्मद के घर पर लगाई गई, और उसके बाद रविवार को दोपहर 11 बजे तक का समय दिया गया और कहा गया कि 11 बजे तक ये घर खाली कर दें, क्योंकि उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। और आज 11 बजे के बाद प्रशासन ने 1 घंटा इंतज़ार किया, उसके बाद प्रशासन के लोग यहां पहुंचे और एक एक करके जो घर का आगे और पीछे का हिस्सा है उसको ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया। जावेद अहमद पंप के घर पर पहले एक बुलडोजर लगाया गया, उसके बाद दोपहर करीब 2 बजे एक और बुलडोजर मंगाया गया। योगी सरकार ने उपद्रवियों को ये चेतावनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हिंसा की तो अंजाम क्या होगा, इसकी नजीर देख लें। घर में जो रजाई गद्दे या थोड़े बहुत पुराने कपड़े, ये पुराने कूलर्स, थोड़े बहुत बर्तन, ये बर्तन रखने का सामान, ये टेबल, ये किताबें, इस तरह की जो टेबल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें छोड़ करके घर का करके लोग चले गए। लेकिन जो वैल्यूएबल चीज़ें थी, गहने या नकदी या जो भी चीज़ें घर में होती हैं, वो सारी चीज़ें लेकर के लोग निकल गए। और उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास पुलिस कर्मियों का एक बड़ा जत्था इस करेली इलाके में जावेद मोहम्मद के घर पहुंचा, और उसके बाद बुलडोजर ने अपना वो काम किया जो काम बुलडोजर उत्तर प्रदेश में करता है, तो एक एक दंगाई कांपता है। अब जरा जावेद अहमद पंप पर आरोपों की फहरिस्त भी देख लीजिए। जावेद पंप पर पूरी घटना का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, हिंसा की पूरी प्लानिंग करने का आरोप है। आरोप है कि उसने युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाया। जावेद के मोबाइल से आपत्तिजनक चीजें मिलने का दावा, आज भी मकान गिराए जाने के दौरान कई आपत्तिजनक चीजें मिलने का दावा है। पुलिस का दावा है कि जावेद के घर से अवैध असलहे मिले हैं, जिसमें 12 बोर और 315 बोर के तमंचे शामिल हैं। कई कारतूस भी छिपा कर रखे गए थे। आपत्तिजनक साहित्य भी घर से बरामद हुए हैं। अदालतों पर टिप्पणी करने वाले बयान भी घर से मिले हैं। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है, उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। बिल्डिंग को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद किया जा चुका है, और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि योगी राज में अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उसकी संपत्तियों पर इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जाएगा, उसके हौसलों को, उसकी साजिशों पर इसी तरीके से बुलडोजर चलेगा और उसे नाकाम किया जाएगा। वहीं ये मामला अदालत तक पहुँच गया है। हाई कोर्ट के 6 वकीलों की तरफ से याचिका लगाई गई है। आरोप है कि प्रशासन ने जावेद की पत्नी का मकान अवैध तरीके से तोड़ दिया है। कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं यूपी ही नहीं, देश की राजनीति में भी बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल तेज हो रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।